हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले हैं पैटर्न मटेरियल्स। हमने पैटर्न को पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो उस पैटर्न को बनाने के लिए हम किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेजरली हम 4 टाइप्स के मटेरियल यूज़ करते हैं, वूड, मेटल, प्लास्टिक एंड वैक्स। इस 4 टाइप के मटेरियल के यूज़ हम पैटर्न को बनाने के लिए करते हैं, तो उस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किस जगह यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम मास्टर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और डबल श्रिंकेज का जो कंसेप्ट होता है मेटल पैटर्न को बनाने के लिए उसके बारे में भी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, वो होता है ऊड। ऊड, अब इस ऊड में मोहगनी या टिम्बर जैसे जो वुड्स होते हैं उस वुड्स को हम यूज करते हैं एज अ पैटर्न। पैटर्न को जो बनाने के लिए हम मोहगनी जैसे जो वुड्स होते हैं उसका यूज कर लेते हैं। अब इसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट, जो वुड का जो पैटर्न हम बनाएंगे तो हमें वुड इजीली अवेलेबल होता है। फर्स्ट एडवांटेजेस वुड पैटर्न का ये होगा कि ये इजीली अवेलेबल है, ओके। इसका जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा, मतलब लेस कॉस्ट का होगा, और एक इसका यूज करने के पीछे एक इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ये होता है कि इसका वेट जो होता है, वेट होता है वो लो होता है, लो वेट होता है। वुड का जो पैटर्न यूज करेंगे उसका वेट लो होगा। अब लो वेट होगा तो हम इसका पैटर्न है वो बिग साइज में बना सकते हैं, मतलब बड़े बड़े पैटर्न को हम इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उसका वेट लो होगा। इसीलिए वुड का जो पैटर्न है वो हेवी कास्टिंग्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हेवी कास्टिंग्स के लिए मतलब हेवी कास्टिंग के जो पैटर्न्स होंगे उस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, क्योंकि वुड का वेट कम होगा। वेट कम होने की वजह से हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए वुड का यूज हम हेवी कास्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें सिंपल कास्टिंग कह सकते हैं हम, सिंपल कास्टिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट कास्टिंग होगी तो उसकी फॉर्मेबिलिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर्मेबिलिटी तो इसमें होती है बट इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम इसमें सिंपल कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट शेप है तो उस केस में हम वुड को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, ड्यू टू इसकी फॉर्मेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसीलिए हम वुड का यूज़ वहाँ पर अवॉइड कर देते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो वुड का मेजर डिसएडवांटेजेस ये होता है, इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर्स, अगर वुड का पैटर्न हम कास्टिंग के लिए यूज करते हैं तो जब हम पैटर्न को रखते हैं और उसके ऊपर सैंड डाल के उसको रैमिंग करते हैं तो उस सैंड में जो मॉइस्चर्स होंगे वो मॉइस्चर्स को वुड का पैटर्न एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो पैटर्न में कुछ श्रिंकेज आ जाएंगे, पैटर्न स्वेल हो जाएगा, पैटर्न बड़ा हो जाएगा, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका पैटर्न में जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है वो पुअर होती है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके डायमेंशन में चेंजेस हो जाएंगे, तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होती है वो पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। अच्छा गुड सरफेस फिनिश हम इसमें नहीं दे सकते ड्यू टू मॉइस्चर एब्जॉर्ब। सेकेंड, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, लेस लाइफ हो जाएगी क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो कास्टिंग में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा। अब लेस लाइफ होगी मतलब इसका हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, डू नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, रिपीटेडली हम इसका यूज करेंगे लेकिन जब तक हमें रफ कास्टिंग की जरूरत होगी तो वुड पैटर्न करेंगे। अगर उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी या सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए तो हम उसको वुड यूज नहीं कर सकते हैं। डू नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन। तो ये कुछ वुड के बारे में था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम सेकेंड
देख लेते हैं हमारा मेटल पैटर्न। तो सेकेंड पैटर्न बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है मेटल। मेटल का पैटर्न हो सकता है, वुड का पैटर्न हमने देखा, अभी हम देखेंगे मेटल। अब मेटल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल होंगे, जितने भी मेटल्स है उस मेटल से हम मेटल पैटर्न को बना सकते हैं। जितने भी मेटल अवेलेबल है उसका यूज करके हम पैटर्न बना सकते हैं। अब मेटल पैटर्न में जो एडवांटेजेस होंगे, मेटल पैटर्न करने से जो एडवांटेजेस होंगे, ये जो मेटल पैटर्न होगा ये तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसकी रिलायबिलिटी जो होगी वो अच्छी होगी। मतलब इसका हम यूज जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन की केस में हम मेटल पैटर्न ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और इसकी जो सरफेस फिनिश होगा वो अच्छा होगा। सरफेस फिनिश अगर मेटल पैटर्न को हम यूज करेंगे, मटेरियल जो है वो मेटल रखेंगे, तो उसका सरफेस फिनिश अच्छा होगा, डायमेंशनल एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, सरफेस फिनिश भी अच्छा होगा और मास प्रोडक्शन की केस में हम मेटल पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस जो हो गए मेटल पैटर्न में, वो डिसएडवांटेजेस ये हो गया, इसका करोजन का चांस होगा। अगर मेटल पैटर्न हम यूज करेंगे तो उसका करोजन का चांसेस होते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि करोजन से चांसेस हो गए। इसका वेट जो होता है वो हाई वेट होता है, वेट जो होगा वो हाई वेट का होगा। मेटल का वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुड, तो वुड को हम हैवी कैस्टिंग के पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हैं ड्यू टू इजी हैंडलिंग, बट ये जो मेटल है उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से हम इसे स्मॉल कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। स्मॉल कास्टिंग एंड मास प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं मेटल पैटर्न, तो स्मॉल कास्टिंग के लिए यूज करते हैं ड्यू टू हेवी वेट। ओके, सरफेस फिनिश अच्छा है, करोजन के चांसेस होंगे, वेट हाई, स्मॉल कास्टिंग के लिए यूज करेंगे हम मेटल पैटर्न को। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो मेटल पैटर्न है, तो मेटल पैटर्न आर मेड फ्रॉम वुड पैटर्न, मेटल पैटर्न्स आर फ्रॉम वुड पैटर्न्स टेकिंग डबल श्रिंकेज अलाउंसेस। मेटल पैटर्न्स आर मेड फ्रॉम वुड पैटर्न considering double shrinkage allowances। अब हमने श्रिंकेज अलाउंस तो देखा है, श्रिंकेज अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा भी है। श्रिंकेज अलाउंस कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेटल जब लिक्विड से सॉलिड होने की कोशिश करेगा तब उसमें मेटल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं श्रिंकेज। और हमने श्रिंकेज अलाउंस देखा है, डबल श्रिंकेज के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। और एक हम क्या करेंगे, हमें जब भी कोई मेटल का पैटर्न बनाना है, मेटल का यूज करके हमें कोई पैटर्न बनाना है, तो उस केस में जो मेटल का पैटर्न बनाने के लिए हम फर्स्ट यूज करते हैं वुड का पैटर्न। तो वुड का जो पैटर्न होगा मेटल पैटर्न बनाने के लिए उसे हम बोलते हैं मास्टर पैटर्न। तो ये चीज याद रखिएगा, वुड पैटर्न इज कंसिडर एज अ मास्टर पैटर्न फॉर मेकिंग अ मेटल पैटर्न, राइट। एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चंस, अगर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू में, तो चांसेस ज्यादा इसमें होते हैं, एक तो मास्टर पैटर्न के ऊपर या फिर डबल श्रिंकेज के ऊपर। तो फर्स्ट हमें वुड पैटर्न यूज करके जो मेटल पैटर्न बनाएंगे, तो उस वुड पैटर्न को हम बोलेंगे मास्टर पैटर्न। अब ये डबल श्रिंकेज क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट को मैं बनाना चाहता हूँ, और इसका डायमीटर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये 25 mm का मेरे पास डायमीटर है, 25 mm डायमीटर का एक बॉल मुझे क्रिएट करना है। अब इसका जो मटेरियल है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ मैग्नीशियम है, राइट। इसका मटेरियल जो होगा वो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ओके, इस मेटल की हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मैग्नीशियम आला का हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब हम जानते हैं श्रिंकेज अलाउंस में हमने देखा था, अगर मुझे ये 25 mm का मैग्नीशियम का एक बॉल क्रिएट करना है, तो मुझे इसका पैटर्न जब मैं बनाऊंगा,
तो उस पैटर्न बनाने के टाइम मुझे इसके कुछ अलाउंसेस उसमें ऐड करने पड़ेंगे, श्रिंकेज अलाउंसेस उसमें ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये 25 mm का मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका जितना भी अलाउंसेस होगा मैग्नीशियम के श्रिंकेज अलाउंसेस जो कंसीडर करेंगे वो हम उसमें ऐड कर देंगे। अब मैं समझने के लिए ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। अब ये मान लीजिए ये 25 mm का बॉल मुझे क्रिएट करना था, तो इसके लिए मैंने एक मेटल का पैटर्न यहाँ पे बना लिया है। अब मान लेते हैं ये मेरे पास एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का पैटर्न मैंने मैग्नीशियम प्रोडक्ट बनाने के लिए क्रिएट किया है। तो अब इसमें एल्युमिनियम का प्रोडक्ट, एल्युमिनियम का पैटर्न मैंने बनाया है मैग्नीशियम की कास्टिंग करने के लिए। अब मैग्नीशियम का में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें जब मैं मैग्नीशियम डाल दूंगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होकर मुझे 25 mm का मिल रहा है। तो मैं इसमें श्रिंकेज अलाउंसेस ऐड करके मान लेते हैं इसका डायमीटर मेरे पास 26 mm है। अब तो फर्स्ट श्रिंकेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फर्स्ट श्रिंकेज यहाँ पे 26 का मैंने पैटर्न लिया था, मुझे फाइनल प्रोडक्ट 25 mm का मिला। मतलब 1 mm का यहाँ पे मैंने श्रिंकेज ले लिया है, 1 mm का श्रिंकेज ले लिया है मैंने, 1 mm श्रिंकेज। ये तो हो गया मैग्नीशियम के लिए, ये तो हुआ मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम जब डालूंगा मैं इस पैटर्न में तो मैग्नीशियम छोटा होकर मुझे इस टाइप का मिलेगा, मतलब 25 mm का मुझे मिलेगा। तो एक श्रिंकेज था, एक श्रिंकेज हमने ऐड कर दिया। अब ये जो मेटल है, मेटल का पैटर्न है, तो मेटल का पैटर्न बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड का पैटर्न। मैंने अभी बोला मेटल का अगर कोई पैटर्न है तो उसको बनाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए मैं वुड का जो पैटर्न बनाऊंगा, वुड का जो पैटर्न बनाऊंगा ये वुड है, वुड का जो पैटर्न होगा इसे मैं बोलूंगा मास्टर पैटर्न। ओके, मास्टर पैटर्न। अब मुझे ये 26 mm एल्युमिनियम का पैटर्न बनाना है, एल्युमिनियम का मेरे पास ये 26 mm डायमीटर का कोई बॉल है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो एल्युमिनियम में भी कुछ श्रिंकेज होंगे, एल्युमिनियम का जो श्रिंकेज होंगे वो इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ये हमारे पास होगा 27 mm का। समझने के लिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है 1 mm, बट समझने के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर मुझे कोई 25 mm का कास्टिंग बनाना था तो मैं फर्स्ट उसके लिए वुड का, मुझे मेटल का पैटर्न यूज करना है, तो मेटल को पैटर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पे वुड का पैटर्न यूज करता हूँ जिसे मैं मास्टर पैटर्न बोलता हूँ। अब इसमें जब मैं एल्युमिनियम डाल दूंगा तो एल्युमिनियम श्रिंकेज होकर मुझे 26 mm की कोई कैविटी मिलेगी, कोई बॉल मिलेगा। अब 26 mm में जब मैं मैग्नीशियम डाल देता हूँ तो मैग्नीशियम कन्वर्ट होकर मुझे 25 mm का मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक श्रिंकेज अलाउंस ऐड किया और यहाँ पे मैंने एक श्रिंकेज अलाउंस ऐड किया। तो ये होता है डबल श्रिंकेज अलाउंस का कंसेप्ट। तो मेटल पैटर्न ऑलवेज मेड फ्रॉम वुड पैटर्न व्हिच इज कॉल्ड मास्टर पैटर्न बाय टेकिंग कंसीडर ऑफ डबल श्रिंकेज अलाउंसेस। डबल श्रिंकेज अलाउंसेस को कंसीडर करके वुड पैटर्न तो मेटल पैटर्न इज ऑलवेज मेड फ्रॉम वुड पैटर्न बाय कंसिडरिंग डबल श्रिंकेज अलाउंसेस, इन दैट केस वुड पैटर्न इज कॉल्ड एज मास्टर पैटर्न। तो हमने यहाँ पे मेटल पैटर्न के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मास्टर पैटर्न क्या होता है और डबल श्रिंकेज अलाउंसेस उसमें कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में। तो थर्ड जो मटेरियल होता है हमारे पास पैटर्न बनाने के लिए वो होता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स का यूज करके हम पैटर्न को बनाएंगे, प्लास्टिक्स का यूज करके हम पैटर्न को बनाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि थर्मोसेटिंग होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, पीवीसी प्लास्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी प्लास्टिक्स है उसको यूज़ करके हम पैटर्न बनाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक पैटर्न। अब इसमें क्या होगा, जब हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो उसके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं कि प्लास्टिक यूज करने से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी इंप्रूव होती मिलेगी। फर्स्ट तो ये ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, डोंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये वुड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसमें डिफिकल्टीज आ रही थी, ये तो ड्रॉबैक था वुड का। अब मेटल का ड्रॉबैक क्या था, मेटल में कोरोजन हो रहा था, और प्लास्टिक में ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो कोरोजन होता है। तो हमें सबसे बेटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू वुड और मेटल प्लास्टिक में मिल जाती है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एज वेल एज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन। तो
प्लास्टिक में ना तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब होगा ना तो करोजन होगा, इसलिए जो प्लास्टिक की रिलेबिलिटी होती है लॉन्ग लाइफ होती है प्लास्टिक की, लॉन्ग लाइफ होती है, तो इसे हम मास प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करेगा, करोजन भी नहीं होगा, इसकी रिलेबिलिटी अच्छी होगी प्लास्टिक की, लॉन्ग लाइफ का होगा, और इसका हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और ये एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे तो इसका वेट जो होता है वो लेस वेट का होता है। प्लास्टिक का अगर कोई पैटर्न बनाएंगे तो उसका वेट बहुत लो होगा, तो हम इसको हेवी कास्टिंग के लिए भी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। हेवी कास्टिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, स्मॉल कास्टिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, बट हेवी कास्टिंग के केस में भी हम प्लास्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं, जो कि हम मेटल पैटर्न का नहीं कर सकते हेवी कास्टिंग के लिए। और इसमें सरफेस फिनिश अच्छा होगा, प्लास्टिक के केस में सरफेस फिनिश अच्छा होगा, इसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो सरफेस फिनिश अच्छा होगा, उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छा होगी, रिलायबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगी। इसमें प्लास्टिक में डिसएडवांटेजेस खाली ये होता है कि उसका जो स्ट्रेंथ होता है, अगर प्लास्टिक का कोई हम पैटर्न बनाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और एब्रेशन जो रेजिस्टेंस होता है, एब्रेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। एब्रेशन मीन्स अगर उस प्लास्टिक का हम, ये मान लीजिए ये कोई पैटर्न है प्लास्टिक का, और इसे हम कोई नाइफ से या किसी से इसको कट कर लेते हैं तो इसको इजीली क्रैसेस आ जाते हैं, तो उसका जो और रेजिस्टेंस होता है एब्रेशन का एज कम्पेयर टू मेटल कम होता है, और उसका स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर टू मेटल कम होता है। तो ये दो ड्रॉबैक होते हैं प्लास्टिक के, बाकी हर चीज़ में प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे एडवांटेजेस है, खाली ये दो चीज़ छोड़ के प्लास्टिक हम हर जगह यूज करते हैं। फोर्थ जो मटेरियल होता है हमारे पास पैटर्न को बनाने के लिए वो होता है वैक्स। अब वैक्स में भी डिफरेंट टाइप के वैक्स होते हैं जिससे मिलकर हम पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि बी वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स होता है, सैफ्रॉन होता है, बहुत सारे वैक्स होते हैं, तो उस वैक्स को मिला के हम पैटर्न को बनाते हैं। और इसके एडवांटेजेस की जब बात करेंगे तो ये जो वैक्स का पैटर्न होता है वो हम पैटर्न को रिमूव नहीं करते हैं, डिस्पोजल पैटर्न टाइप होगा ये जो हम, ये कोई मेरा फ्लास्क है, अगर हम इसमें ऊड का या मेटल का पैटर्न रख देते हैं या प्लास्टिक का भी पैटर्न होगा, पैटर्न हम इसके अंदर रखते हैं, फिर उसको हम सैंड डाल के रैमिंग करते हैं, फिर उसमें मोल्टन मेटल डाल के फिर उस पैटर्न निकाल लेते हैं, फिर उसकी जो कैविटी होगी उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे और फिर उसको सॉलिडिफाई होने तक वेट करेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाता है। तो पैटर्न को हम रिमूव कर लेते हैं और बार बार यूज कर लेते हैं, रिपीटेडली यूज कर लेते हैं, बट ये जो वैक्स पैटर्न है इसे हम रिपीटेडली यूज नहीं करते हैं, एक ही बार हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक इस टाइप का कैविटी है कोई, और इसे मैं वैक्स से बनाता हूँ। अब ये कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये बाद में देखेंगे कास्टिंग प्रोसेस में, बट ये मेरे पास कोई पैटर्न है और इसे मैं वैक्स से बना लेता हूँ, वैक्स का यूज करके इस पैटर्न को मैं क्रिएट करता हूँ। तो इस पैटर्न का फंक्शन यह होता है, इस टाइप की मैं कोई कैविटी चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ये वैक्स यूज करके ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ऐसा, और इसको हीटिंग कर लेता हूँ। अब जब मैं हीटिंग करूँगा तो ये जो वैक्स लगा हुआ होगा तो ये वैक्स क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर मैं इसको सीधा करके इसमें मेरा जो भी मोल्टन मेटल है इसमें डाल के मैं मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकालूंगा। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ये है, इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस वैक्स पैटर्न का ये होता है कि हम पैटर्न को यहाँ से निकालते नहीं हैं, पैटर्न सीधा डिस्पोज कर लेता है, पैटर्न को हीट करके, पैटर्न को मेल्ट करके वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाता है। तो हम पैटर्न को निकालना नहीं चाहते, तो इसमें जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होगी पैटर्न निकालने के टाइम, उस मोल्ड कैविटी में चेंजेस जो होंगे वो चेंजेस निग्लिजिबल होंगे, क्योंकि पैटर्न को हम निकाल ही नहीं रहे हैं, पैटर्न सीधा मेल्ट होके बाहर आ रहा है, तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अब पैटर्न हमें निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी पैटर्न की जो सरफेस फिनिश होगी वो बहुत अच्छी होगी, सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छी होगी,
जब हम वैक्स का यूज करेंगे। तो ये एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं वैक्स पैटर्न जब हम यूज करते हैं तो हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं और हाई सरफेस फिनिश के लिए हम वैक्स पैटर्न का यूज करते हैं। जनरली वैक्स पैटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स पैटर्न का यूज करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे कैरी आउट किया जाता है, बट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम वैक्स पैटर्न का यूज कर लेते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल थे जो कि हम उससे मिला के पैटर्न को बना सकते हैं।